रतलाम में स्टेशन रोड पुलिस ने गायत्री टॉकीज मार्ग से हवाला कारोबार से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपितों के कब्जे से 15 लाख रुपयों से अधिक की राशि जब्त की गई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि वो रुपया कहां से लाए थे और किसे देने जा रहे थे। इसके साथ ही आयकर विभाग को भी पुलिस ने जानकारी दी है। आयकर विभाग अब मामले की जांच करेगा। सीएसपी हेमंत चौहान ने बताया कि पुलिस की टीम अलग अलग स्थानों पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान गायत्री टॉकीज मार्ग पर एक व्यक्ति पुलिस को संदिग्ध दिखाई दिया। उसके हाथ में एक झोला था जिसमें पुलिस जब उसके पास जाने लगी तो वो पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली गई जहां पर उसके झोले में रुपए बरामद हुए। युवक ने अपना नाम संजय परिहार बताया और कहा कि वो बुलियन व्यापारी मनीष पटवा के यहां काम करता है, जिसके बाद मनीष पटवा, दीपक और दिनेश को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपितों के कब्जे से अब 15,80,000 रुपए की राशि जब्त की गई है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि रुपया कहां से लेकर आए थे और किसे देने जा रहे थे। इनमें से संजय परिहार के खिलाफ मानक चौक थाने में पहले से ही एक मामला दर्ज है। आयकर विभाग को भी जानकारी दी गई है। विभाग की टीम भी आकर आरोपियों से रुपयों के संबंध में पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि रतलाम में हवाला कारोबार का काम कई वर्षों से चल रहा है। पहले भी पुलिस इस तरह के मामले पकड़ चुकी है। मैं बताना चाहूँगा, आज सुबह टीम जो संदिग्ध चेकिंग में लगी हुई थी, तभी टीम पुलिस थाना स्टेशन की टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसके हाथ में थैला था। उसको चेक करने पर पैसे मिले, जिसे पूछताछ करने पर कोई संतुष्ट पर कोई जवाब नहीं दे पाया। उससे पूछताछ करने पर उसने मनीष पटवा का नाम बताया। ये जो व्यक्ति को पकड़ा था संजय परिहार को, वो मनीष पटवा के यहाँ काम करता है। वहाँ पर और दो अन्य व्यक्ति और मिले, एक दीपक और एक दिनेश नाम का व्यक्ति मिला। इन चारों के पास में वहाँ चेकिंग करते हैं, वहाँ तीन थैले मिले हैं जिसमें कुल मिलाकर 15,80,250 रुपये मिले हैं। वहाँ पूछताछ करते हैं, कोई भी संतुष्ट जवाब उनको नहीं दिया, इसलिए इसमें इनको विधिवत जो पैसे को जब्त किया जा रहा है और इसमें इनके पैसा तो कहाँ ले जा रहे थे, ये अभी पूछताछ की जा रही है इसमें। लेकिन चूंकि प्रथम दृष्टया कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए तो उनके पास से जब्त किया। अभी हिरासत में कितने लोग हैं? अभी कुल पूछताछ के लिए चार लोगों को लेके आए हैं। मनीष पटवा है, उसके साथ में काम करने वाले संजय और दीपक है और एक दिनेश नाम करने वाले। रतलाम बहुत बड़ा जोन है गोल्ड का और यहाँ पे लगभग अरबों का कारोबार होता है। 70 किलो सोना भी रतलाम में स्टेशन में पकड़ा जा चुका है। इस तरह की बड़ी घटनाएं या बड़े हवाला कारोबार से इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं कोई बड़ी लिंक आपको भी सामने आई? इसमें अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि ये बुलियन का काम करना भी बता रहे अपने आप में। और पूर्व में भी इसका 2014 में बता रहे कि मानसिक क्षेत्र में प्रकरण इसी टाइप से जो कहीं ना कहीं हवाला का रैकेट है, ये तो क्लियर हो गया। इसमें अभी अभी कुछ कहना संभव नहीं, पूछताछ चल रही है। इसमें से जुड़ा हुआ अन्य विभाग को इसमें इनकम टैक्स को विधिवत सूचना कर दी गई, मौखिक कर दी गई, राइटिंग में भी की जा रही है। इसके निवास में भी तलाशी ली गई? बिल्कुल, अभी इसमें आगे कार्रवाई जारी रहेगी। अभी थैंक यू।